top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. और कमा के नहीं लाता है तो आप भी उसको कह दो तो निकल बाहर ने ठल्ला काली अपनी बुद्धि का और अपनी जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने दी जवाहरलाल नेहरू ने दिया उस अधिकार को आप जो है सो बिना सोचे समझे जो है उन खबर पकड़ी बड़ा अफसोस होता है जो चुनकर गए जो आपके पास सोच इस बात पर होता है आप लोगों पर होता है बहन जी आप एक आदमी है एक ऐसा युवा आदमी है राहुल गांधी जी को जैसे ही भट्टापुरा सोल में मैं भी गया मैंने प्रणाम किया उस धरती को वो धरती जिस हॉस्पिटल से राहुल गांधी जी देवरिया से दिल्ली तक जो यात्रा करी जगह जगह पर जो है किसान गरीब मजदूर हर जाति के लोग जो मिले और उन जो मिले उनसे जो समस्याएं जो है उनके सामने आई और समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया कि किसान जो है वो गांव में रहता है और किसान यदि समृद्धिशाली हो जाएगा तो समझ लीजिए गांव भी समृद्धिशाली हो जाएगा पूरा देश भी समृद्धिशाली हो जाएगा और इसी वजह से उन्होंने तीन बातें जो निकाली एक तो जो है उन पर जो कर्ज है भारी कर्ज से लदे हुए हैं वो कर्ज जो उनका माफ हो जाना चाहिए दूसरा जो है बिजली का बिल बहुत आता है बिजली के कनेक्शन कट जाते हैं इसलिए उनको जो है उनका बिजली का बिल का आधा वो चुकाएंगे और आधा सरकार चुकाएगी तीसरी बहुत ही अहम बात है वो बात ये है कि किसान जो अन्न उपजाता है वो अन्न जो है उसका कीमत जो है वो उसको पूरी नहीं मिलती है व्यापारी उसको जो है आधी कीमत देता है जो मनमर्जी होती है उसकी कीमत देता है तो उसकी कीमत भी उसको जो है वाजिब कीमत मिले इन चीजों को लेकर के वो जो सब जगह गए आज वो सब जगह तो नहीं जा पाएंगे हम कांग्रेस की पूरी टीम जो है जिला कांग्रेस कमेटी है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है और जो शहर कांग्रेस कमेटी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी AICC के मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो कहने की बात यह है कि कांग्रेस का अब ये दौर जो है हम दौरा करते फिर रहे हैं सब जगह पर कि उनकी जो कही हुई बातें हैं वो जन जन तक पहुंचा करके और हम एक माहौल बनाना चाहते हैं कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस के पक्ष में होए और लोगों में बड़ा उत्साह है हम अभी भट्टापुरा सोल और उस एरिया में गए तो लोगों ने ढोल नगारे और पटाखे छोड़ करके हमारा स्वागत किया और इतना बढ़िया तरीके से वो जो है जुड़े हम लोगों से उन्होंने झंडे फहराए और यहाँ तक कि उन्होंने जो है इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे हजार हजार आदमियों के प्रोग्राम हुए हैं और जिसमें ये ऐसा लगने लगा है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस में ही होगा निश्चित रूप से कांग्रेस को जो है हमें जीत मिलेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का राज आएगा तो हम ये समझते हैं ये समस्याएं जो हमारी शहरों की भी है जहाँ सफाई नहीं है पीने का पानी नहीं है हर तरीके की असुविधा ही असुविधा है उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे मेरा कहने का पाप जो संघर्ष कर रहे हो यह तभी पूरा हो सकेगा जब आपके यहां पर जो मजबूत नेता आपका बनेगा जब कि पूरे हिंदुस्तान में एक छोटा सा गांव है वहां भी ग्राम पंचायत है ग्राम प्रधान है रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं और आप में से ही चुने जाते हैं और एक ये प्रणाली जा रही लूटे जा रहे अनेकों समस्याएं हैं अनेकों समस्याएं हैं आपकी इस गए काम से हम तो जब सर आज जो आज हम राहुल जी का संदेश लेकर के यहाँ आए हैं उनके तीन संदेश हैं बिजली का बिल हाफ किसानों का कर्जा माफ और गुंडागर्दी का राज खत्म
ये संदेश लेकर के हम उनका आज यहाँ आए हैं। नोएडा की जो भी समस्याएं हैं, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो हम उसको 10 दिन के अंदर अंदर खत्म करने का वादा करते हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यहाँ की समस्याएं लेकर के जल्दी सड़कों पर उतरेंगे और नोएडा की समस्याएं खत्म करा करके। ये पूरे नोएडा में कार्यक्रम है, अलग अलग ब्लॉकों में है, जहां भी लगातार है, 3 दिन का कार्यक्रम है लगातार। ये नोएडा शहर का, इससे पहले 4 दिन का प्रोग्राम जिला गौतम बुद्ध नगर में हो चुका और फिर आगे 2 दिन का और कार्यक्रम है। ये 15 दिन का कार्यक्रम है। 15 दिन में हम हमारा हर घर में पहुंचने का लक्ष्य है। हम अपने राहुल जी के संदेश को हर घर घर में पहुंचा करके रहेंगे और उसके संदेश से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और सरकार बनेगी। देखिए, 27 साल का लोगों को लगने लगा कि जो 27 साल से यूपी बेहाल है वो उन लोगों की वजह से है जो यहाँ गुंडा राज की पार्टी है, जातिवाद की पार्टी है। उन सबको खत्म कर करके कांग्रेस का हाथ सबके साथ और सबके विकास की बात करेगा, इसलिए हमारी सरकार बनेगी।